हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। और फ्रेंड्स, आज मेरे टाइटल से ही आपको पता चल गया, मतलब आप सस्पेंस रहे होंगे तो आगे मेरे वीडियो में मैं आगे बताई हूँ, तो आप लोग देख लीजिए क्यों मैं परेशान हूँ। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सच में क्यों हो रहा है। तो चलिए, मैं ज़्यादा अभी तो नहीं बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे ब्लॉग चलते चलते मैं आपको बताती जाऊँगी क्या हुआ, क्या परेशानी हुई, क्यों तकलीफ हो रहा है, वही मैं आपको बताती हूँ। तो ये बेटी गर्म पानी और शहद का पानी पी रही थी, उसके बाद मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी। लेट हो गया था, आज बहुत लेट हो गया था, मतलब नहाने का, नहा धोकर पूजा करने का भी बहुत लेट हो गया था। तो देखिए, कटहल की सब्जी बन रहा था, कटहल की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और करेले वही बन रहा था। पेट के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। ये कमबख पेट के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे, कितना भी दुखी हो करना तो पड़ेगा। बिल्कुल भी काल क्या बनू मैं, ये पेट के लिए सब कुछ है। दुनिया में कितना भी दुखी हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, लेकिन इस पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। आज बहुत लेट हो गया सब्जी वगैरह बनाने में, देखिए साढ़े दस हो गया। अब तक मेरा सारे काम खत्म हो जाता, लेकिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दुनिया में इस पेट के लिए सब कुछ नाक है, पेट के लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा। अभी कटहल का सीजन, मतलब कटहल तो बनेगी, कटहल बन रहा है और गाइज, मैं आपसे जो बोल रही थी ना, मतलब कुछ भी तकलीफ हो फिर भी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ ना, कल रात को मतलब मैं सबसे आ गई थी, आठ बजे आ गई, तो
हमारे नज़दीक की जो बहू है मेरे पास बैठती थी, हमारे साथ बहुत अटैच है हमेशा। मैं जब सबसे आती हूँ रात को, हम बैठते हैं रात में, मेरे ब्लॉग में भी आप लोग देखे होंगे, मेरे पास बैठती थी कभी कभार, मतलब ब्लॉग में मैं दिखाई देती थी कभी कभार, लेकिन हमेशा रात को हम बैठते हैं बाहर, हमारा जो पटकियों के सामने गर्मी होता है ना, वो बैठते थे। तो मैं सबसे आ गई, सबसे आने के बाद ही बेटी बोल रही है चलिए मैं भाभी के पास घूम के आती हूँ। तो वो गई तो उसकी बात करी, बात करने के बाद एकदम से तबीयत खराब हो गया। तो मुझे बुला रही है, मम्मी मम्मी आ जाओ आ जाओ, भाभी क्या क्या हो रही है ऐसे। और उसकी उसकी सास, उसके हस्बैंड वो जॉब पर गया था और उसकी सास वो रोड पर गई थी। तो एकदम से मतलब मेरे सामने ही उसका तबीयत बहुत सारा तबीयत, उसका होश नहीं था, ऐसा हुआ था होश नहीं था। हम बुला रहे थे फिर भी एकदम से सेंसलेस हो रही थी। तो मतलब ऐसे 4-5 बार ऐसे सेंसलेस हो रही थी हमारे सामने ही 12 बजे तक हम लोग भी, मैं बेटी भी नहीं खाए थे, उनके तो कोई नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे घर के सामने मेरे आंगन जो मैं बाहर बैठती हूँ जो पुटिका के सामने, वहाँ एक चारपाई था, चारपाई के ऊपर उसको लेटे दी थी और हम बैठे थे। मतलब अभी उसकी सिचुएशन ख़राब है, अभी 8 मंथ्स की प्रेगनेंट है। तो उस टाइम वो बेहोश हो जाएगी, मतलब वो सेंसलेस हो जाएगी, तो क्या होगा बताइए। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी उसको मेडिकल लिए हैं, हमारा जो बड़ा मेडिकल है वहाँ रेफर कर दिए हैं। मतलब बेबी अभी साइलेंट है, बेबी एकदम से साइलेंट है। तो उसको तो बीच में मेरा जो सीना दर्द हो रहा है ऐसे बोल रही थी, तो एसिड की वजह से ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। अभी जो हमारा बड़ा मेडिकल है वहाँ रेफर कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं। तो अभी मैं कपड़ा भी आप लोग के साथ खोल कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। भगवान करे कि भगवान अच्छे से माँ बच्चों को भेज दो, मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी दुआ करो बच्चे और माँ अच्छे से घर आ जाए। मतलब इतना अटैच ना, हम हमेशा बैठ के गप्पे लड़ा रहते थे हमेशा मेरी बेटी के साथ, ऐसा वैसा, मतलब उसका भी काम ख़त्म हो जाता है और आकर बैठती है, बहुत एक्टिव। 8 महीने की बच्चा है फिर भी वो मतलब हमारा बोरिंग से पानी लेकर जा रही थी, दो मतलब एक जो कल होता है ना गगरा कहते हैं, एक इधर एक हाथ में बाल्टी लेकर पानी भी जा रही थी। एक्टिव, बहुत एक्टिव थी। मैं तो हमेशा बोलती थी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिलीवरी के टाइम, तुम्हारी नहीं होगा, तो एक्टिव ऐसे रहो। मैं ऐसे उसको सलाह देती थी, एक्टिव भी थी एकदम से, पता नहीं उसका, लेकिन अभी बहुत वीक भी है, बहुत पतला है, इतना सा पतला है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ हमको भी, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज सुबह बहुत लेट ही, मतलब कल रात तो हम 1 बजे सोए और 4 बजे उठ गई और बैठ कर, मुझे कुछ काम करने की भी मन नहीं कर रहा था। बहुत लेट में 9 बजे ही मैं नहा कर उठ के पूजा करी और कुकिंग वगैरह करी। पेट के लिए तो करना भी पड़ेगा, क्या करें, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग, जैसा लग रहा है मेरे घर के ही, कोई बात नहीं, घर के जो मेरे सामने हैं, मतलब हमारे घर के ही वो बहू है। भगवान करे, भगवान को प्लीज़ आप लोग भी दुआ करो, माँ बच्चे अच्छे से चले आए, मैं भी दुआ करती हूँ तो अच्छे से आ जाए, क्या करें यार। वो ऐसे मतलब अभी प्रेग्नेंट है ना, इसी की वजह से डर लग रहा है और कुछ नहीं। प्रेग्नेंट नहीं होती तो चलो कोई बात नहीं, हाँ ये हो जाएंगे, अभी बच्चा भी मतलब एक्टिव अभी नहीं है, क्या करें, भगवान ही उद्धार करेंगे, भगवान दिए हैं मतलब भगवान ही करेंगे।
कहाँ जाएंगे भगवान, भगवान ही उद्धार करेंगे, हमको पता है, लेकिन परेशानी थोड़ा हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए हमारे अभी तो गर्मी भी बहुत हो रहा है, तो उसे जो काल हुआ ना कपड़े को भी फोल्ड नहीं कर पा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। मैं बताऊँगी, मेरे ब्लॉग में ही बताऊँगी उसका तबीयत कैसा है क्या नहीं, वो बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।